नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम आपके साथ भुड से जुड़े हैं। मलपुर पंचायत का पंचायत कार्यालय है, जहां पर पंजाब केसरी द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन यहां पर किया गया है। और स्वदेश चोपड़ा जी की नौवीं पुण्यतिथि के मौके पर इस मेडिकल कैंप का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि रोगियों की यहाँ पर लगातार जांच की जा रही है, दवाइयों का यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं और डॉक्टरों द्वारा लगातार जांच की जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि सुबह के वक्त से ही यह मेडिकल कैंप चला हुआ, 10 बजे से इसका शुभारंभ हो गया था, 2 बजे तक चलेगा। बाहर कार्यक्रम भी है, जहां पर स्वदेश चोपड़ा जी का जो चित्र है वहां पर श्रद्धांजलि दी गई, माल्यार्पण वहां पर किया गया। और अब अंदर यहां पर मेडिकल कैंप दवाइयों का वितरण यहां पर किया जा रहा है, रोगियों को दवाइयाँ दी जा रही है। बाहर मेडिकल मोबाइल वैन भी है, जहां पर दवाइयाँ और टेस्ट की भी वैसे सुविधा है। और काफ़ी लोकप्रिय कैंप है जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर आयोजित हो रहा है, और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मेडिकल कैंप का लाभ उठाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। फोटो बना लें और तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में मेडिकल कैंप में लोगों का पहुंचना यहां पर जारी है। और 12 बज गए हैं, 2 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं बीवीएन का यह क्षेत्र है, और बीवीएन में औद्योगिक क्षेत्र है, और औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक ज़रूरत भी रहती है, क्योंकि यहाँ पर बस्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, और काफ़ी सारी दिक्कतों का यहाँ पर लोगों का सामना करना पड़ता है। और आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त यहाँ पर तस्वीरें मेडिकल कैंप की इस वक्त देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी पर। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से बद्दी से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जहां पर मेडिकल कैंप चला हुआ है। बड़ी संख्या में मेडिकल कैंप में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं निःशुल्क मेडिकल कैंप। और आप तस्वीरें यहां पर आए, मैं सबका यहां पर पहुंच रहा हूं। यहां पर कार्यक्रम का आयोजन चला हुआ है, और तस्वीरें देख रहे हैं कि मोबाइल वैन भी है, जहां पर रोगियों द्वारा दवाएं यहां पर ली जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से पंजाब केसरी टीवी मोबाइल मेडिकल कैंप का आयोजन यहां पर किया गया है। और 7 जुलाई 2024 हर वर्ष पंजाब केसरी द्वारा सेवा स्नेह सद्भाव की प्रतिमा स्वर्गीय श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी की पुण्यतिथि पर इस मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है। और नौवीं उनकी पुण्यतिथि है, जिस मौके पर इस मेडिकल कैंप का यहां पर आयोजन किया गया है। और आप देखें कि साथ ही मोबाइल वैन है, मोबाइल मेडिकल वैन, जहां पर दवाइयों का वितरण यहां पर किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि लोग इस सुविधा का लाभ भी उठा रहे हैं, निःशुल्क दवाएं भी दी जा रही है, और निःशुल्क मेडिकल कैंप है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि गर्मी का मौसम है, और आप देखें कि तस्वीरें कि जो यहाँ पर मेहनतकश लोग हैं वो काम से ही यहाँ पर पहुँच गए हैं अपनी ड्यूटी से। और दवाइयों का यहाँ पर वितरण आप देख रहे हैं कि किया जा रहा है। और आप देखें कि तो आप यहीं से हैं जनाब? हाँ जी। कहाँ, यहाँ काम पे लगे? बेरियल। अच्छा, तो वहाँ पर गर्मी लग रही है? नहीं, यहीं रख दिया। अच्छा, यहाँ तब रख दिया। ठीक ठीक है, ओके।
और नंगे पांव थे तो अच्छा ओके 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 नंगे पांव थे तो हमने सोचा कि शायद लेकिन कि शायद नंगे पांव ही आ गए हैं अपने काम से, लेकिन बता रहे हैं कि अंदर मिट्टी लगी हुई थी क्योंकि मजदूर आदमी हैं तो इसलिए उन्होंने बाहर ही अपने जूते खोल लिए थे। तो आप तस्वीरें देखें कि लोगों के स्वास्थ्य की जांच लगातार यहां पर जारी है और डॉक्टर यहां पर बैठे हुए हैं, मेडिकल कैंप चला हुआ है। तस्वीरें आप मेडिकल कैंप की इस वक्त देख रहे हैं, डॉक्टरों के पास और भूड के मलपुर पंचायत के वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, धन्यवाद।